हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी आपको निकाली जाएगी, सरकारी पदों पर भर्ती होगी, जो कि SSC, रेलवे, बैंकिंग और सभी विभाग को मिलाकर ये इन्होंने बात किया है कि लगभग 10 लाख सीटें खाली हैं तो उस पर भर्ती निकाली जाएगी। और ये जो भर्ती है, जो कि पहले आपको पता होगा कि CET माने एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा, उसी के माध्यम से आपको जो भी जो केंद्र सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जाएंगे उसी के मार्क्स पर आपका चयन होगा उन भर्तियों में। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे चीज़ मिल जाए, जानकारी मिल जाएगा। और तो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, PMO इंडिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट इन्होंने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से किया है, ट्विटर के माध्यम से, जो कि 1.5 साल के अंदर यहाँ पे 10 लाख भर्तियाँ निकालने की इन्होंने बात कही है। भर्ती होगा कितनी रिक्तियां हैं इसके बारे में आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको रक्षा सेवा में भर्ती की बात कही है, 2,47,502 सीटें खाली हैं सबसे ज़्यादा आपको रक्षा विभाग, जैसे कि आपको सेना भर्ती में आता है, ठीक है। उसके बाद रेलवे विभाग में है 2,37,295, दो नंबर पर रेलवे में है। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय में लगभग 1,28,28,000, फिर डाक सेवा में 90,000 सीटें खाली हैं, वैसे ही राजस्व में आपको 76,000। तो इस प्रकार से सारे सीटों के बारे में विवरण दिया गया है। और इसमें ये तो बात कर दिया गया है कि 10 लाख नौकरी आपको मिल जाएंगे 1.5 साल के अंदर, मगर इसको पूरा किया जाता है कि नहीं, ये अब आगे की बात है। है कि SSC के माध्यम से 2016 से लेकर 2021 तक 73 भर्तियां निकाली गई, मगर 73 तरह के भर्तियां निकाली गई, उसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें अभी तक 25 जो का रिजल्ट पूरी तरह से दे दिया गया है। और जबकि जो एग्ज़ाम है इसके बाद 73 में से 48 का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है, अभी तक पूरी तरह से उसको फाइनल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सी विडम्बना है जो कि आपको देखना पड़ेगा होगा। इसमें आपको 6 महीने का प्रशिक्षण किया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए बहुत ही बच्चे परेशान हैं इसके लिए, और ये बहुत ही गलत किया गया है। 6 महीने का ट्रेनिंग देकर आपको सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी। और इसमें ये बात कहा गया है कि कैसे आपका वेतन होगा, ठीक है। तो इसमें आपको वेतन जो दिया जाएगा, पहले साल 30,000 दिया जाएगा, अगर पहले साल आप जॉब करते हैं तो 30,000 दिया जाएगा, जिसमें 30,000 में आपको 21,000 ही नकद मिलेगा और 9,000 आपकी कटौती की जाएगी योगदान के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो साल है उसमें आपको 33,000 सैलरी दिया जाएगा, और दूसरा साल में, और तीसरा साल में 36,000, और चौथा साल में 40,000। तो इस प्रकार से सैलरी की भी बात की गई है यहाँ पे। चाहती है, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको जो भी था हम आपको बता दिए हैं। बस वीडियो में इतना ही जानकारी है फ्रेंड, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।